तुम क्यों आई हो यहाँ? जब मैंने कहा कमरे में जाके बैठो तो बैठो जाके कमरे में। मैं अपनी अम्मी से बात करने आई हूँ और आपको कोई जरूरत नहीं है माँ बेटी के बीच में बोलने की। अरे ज़्यादा माफी के ड्रामे मेरे सामने मत करो, जाके कमरे में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है, जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक अम्मी मुझे माफ नहीं करेंगी। अरे क्या कर रही हो, क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हो, उठो। नहीं, मैं यहीं बैठी रहूंगी, पहले आप मुझे माफ करें बस। हाँ भाई चलो माफ कर दिया। आप पहले इनसे कहें कि ये कमरे में जाके मुझे डांट डपट ना करें, लड़े ना मुझसे। जमाल जो हुआ सो हुआ, अब इसने माफी मांग ली है ना, तुम भी जाने दो। अम्मी से समझाएं, जब मैं दुकान पे हूँ ना तो मुझे फोन करके टेंशन ना दिया करे, घर के मसले खुद सुलझाएं, ये रोज रोज की खिटपिट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। ये माँ बेटी के झगड़े में मुझे नहीं पड़ना, समझ गई? क्यों फोन किया था तुमने इसको? अरे भाई मैंने कहाँ फोन किया, वो तो मैं चकरा के गिर गई थी ना, तो अंबर ने फोन मिला दिया, बाप को घबरा गई थी बेचारी। अगर आइंदा कभी किसी को ऐसी घबराहट हो ना तो मुझे आके बता देना, सबकी घबराहटों के हल मैं जानती हूँ। अच्छा ना बस अब आप भी छोड़े ना, जाने दे, चार बातें आपने की दो मैंने कर दी, इंसान हो गलती हो जाती है, माफ कर देना। अच्छा चलो ठीक है, अब जाओ जाके रात के खाने की तैयारी करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं बस असाइनमेंट कर रहा था। अच्छा यूनिवर्सिटी में भी असाइनमेंट और घर पे भी असाइनमेंट? क्या करूं अब असाइनमेंट सबमिट भी तो कराना टाइम पे। अच्छा कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? बहुत टायरिंग था और ये जो असाइनमेंट कर रहा हूं ये भी बहुत डिफिकल्ट है, और बाकी दिन की अच्छी खबर तो तुम्हें पता ही है। कैसी अच्छी खबर है? यही कि मेरी अम्मी ने तुम्हारे घर फोन किया था और तुम लोगों ने हमें संडे को दावत पर बुला लिया। और यही कि जल्द हमारी मंगनी हो जाएगी, और हाँ दावत में खाना अच्छा होना चाहिए। उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो, अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और तुम? मैं भी अच्छा खाना बना लेती हूँ लेकिन अम्मी से ज्यादा अच्छा नहीं। अच्छा एक काम करना कि उस दिन तुमने सबको ये बात कहनी है कि ये सब खाना तुमने बनाया है। जाहिर सी बात है अब इतनी अकल है मुझ में। वासिफ भाई तुम्हारे ससुराल से मंगनी की डेट जा रही है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। फरद मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके ओके। क्या बंदा देख तो लेता है, कॉल पे बात कर रहा हूँ। अब मुझे क्या पता, पहले मेरी बात का जवाब दो। किस बात का जवाब दो? भाई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यार मुझे लगा आसमा भाभी ने बता दिया होगा, मुझे भी उन्होंने बताया था। तुम्हें फिर भी मुझे कॉल करनी चाहिए थी। किस लिए? तुम अपना इलाज करवाओ, तुम्हारा जो खून है वो सफेद हो चुका है। यार तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, ये रिश्ता मैंने करवाया है वरना अम्मी कब का मना कर चुकी थी, याद है ना? मलिन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी शादी करवाई है, अदरवाइज मैं तो कोहरा मर जाता ना। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू छोड़ो, हजार रुपए निकालो शाबाश। हजार रुपए? किस बात के हजार रुपए? क्या मतलब किस बात के हजार रुपए भाई, तुम्हारा मसला हल करवाया है, कमीशन है मेरा। ये तुम बड़े कब हो गए मलिन, तुम्हेशा बच्चे ही रहना, स्कूल में भी तुम यही हरकत करते थे, ब्रेक में आके मुझसे पैसे मांगते थे। देखो मैं जितना भी बड़ा हो जाऊँ रहूंगा तुमसे छोटा ही, और याद है अम्मी ने क्या कहा था कि बड़े भाई छोटे भाई का ख्याल रखते हैं। चलो पैसे निकालो। नहीं दे रहा। सोच लो क्या करोगे, रिश्ता खत्म करवाओ। नहीं 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 अब मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ, हाँ तुम जो कॉल पे बात करते हो ना वो जरूर बंद करवा सकता हूँ। अच्छा देख लेते तुम क्या करते। पक्का? ठीक है अब तुम मेरा गेम देखो। अच्छा रुक, ब्लैकमेलर, हजार रुपए जल्दी, अगर ज्यादा टाइम लगाया तो 2000 हो जाएंगे। थैंक यू। इस तरह अच्छे लगते हो तुम। अरे सुन
थैंक यू बेटा, हमेशा खुश रहो तू। अच्छा निकल आओ यार। जब ये मैं कहूं कि हमारी सास ने मुझे इतनी आसानी से माफ कैसे कर दिया है, अब पता चला वासिफ के ससुराल की दावत जो सर पे खड़ी थी, इसीलिए फटाफट माफ कर दिया मुझे कि अगर अजरा से मैंने बिगाड़ी तो ये जाएगी नहीं और फिर होगी हमारी बेइज्जती। वाह वाह वाह। वैसे अस्मा, तुम्हारे कहने पे मैंने माफी मांग तो ली, पर सच बताऊं कसम से दिल बैठा जा रहा है मेरा। मैं तो सोच रही हूँ मेरा कोई कसूर था भी नहीं और मुझे माफी मांगनी पड़ गई। हाँ माफी मांगना तो अच्छी बात है ना। अब देखे ना, जमाल भाई ने भी आप पर गुस्सा नहीं किया। अरे रहने दो जमाल के गुस्से को, बड़ा आया गुस्सा करने वाला। हाँ हर दफा मेरे साथ यही होता है, तुम लोग सब ना मिल जाते हो, घर वाले एक तरफ हो जाते हो और मुझे एक तरफ कर देते हो, जैसे मैं इस घर का फर्द ही नहीं हूँ। सुनो अस्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारी और मेरी सास की प्लानिंग हो, हैं? उन्होंने ही तुम्हें भेजा हो मेरे पास कि जाओ जाकर अजरा से बोलो कि मुझसे माफी मांग ले, क्योंकि उनकी तो गॉड फंसी हुई थी, दावत जो थी। भाभी मैं नहीं आई थी आपके पास, आप आई थी मेरे पास। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वासिफ के ससुराल में हमारी कोई दावत भी। मुझे तो जो बेहतर लगा वो मैंने कह दिया। आप यकीन करें मेरा, अम्मी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ तुम ही हो इस घर में जिसने मुझे कोई उम्मीद है कि मेरी दिल जोई करेगी, लेकिन तुम ना, तुम भी मुझे उल्टे मशवरे ही देती हो। हारे घर मामा का माफी मांगवा दी मुझसे, कसम से इतनी जल्दी कर दी मैंने माफी मांगने में, नहीं मांगनी चाहिए थी मुझे माफी। हाँ छोड़ भी देना भाभी इस बात को, खत्म करें। भाभी रोटी जल रही है। अरे जलने दो, यहाँ हमारा दिल जल रहा है तो मैं रोटी की पड़ी हुई है, यही चली हुई रोटी खिलाऊंगी बड़ी भी को, आज देखना यही डालूंगी ले आके सामने। कसम से आ लिए ना, मुझे मासूम की उसने देख लेना, अल्लाह दिखाएगा उसको। आए, कभी तो मेरा सबर पड़ेगा उस औरत पे। करके देखा लेकिन फिर भी हैंग हो रहा है। एक मिनट रुको, इतनी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, इनको तो डिलीट करो पहले। सब इम्पोर्टेंट है, ये सारी सेल्फीज इम्पोर्टेंट है। मैं ठीक करवाना ना, ठीक करवा के लेकर आ, मोबाइल में ना घुसो। मेरी बात सुनो, इन सबको डिलीट करो, खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं ले जाऊंगी ठीक करवाने, तुम बस हर चीज के डॉक्टर बन जाओ। हाँ तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझसे नाराज होने का, ले जाऊंगा। अच्छा इसमें कोई पर्सनल पिक्चर तो डिलीट कर दो, वो वायरल हो जाती है ना। तौबा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, देख लो। अच्छा बात सुनो, संडे को हम लोग जा रहे हैं वासिफ भाई के ससुराल। वो तो बड़ा खुश होंगे ना। अरे उनकी खुशी तो छुपाई नहीं छुप रही, तुम भी चलो। क्या हो गया, मैं क्या करूंगी वहाँ पे, और वो लोग क्या कहेंगे, ये लोग तो अपने पड़ोसियों को भी साथ ले आए। अम्मी ने शहनाज खाला को अपनी बहन बनाया है, तो तुम अम्मी की बहन की बेटी हो, चलो साथ। नहीं मुझे फिर भी नहीं जाना तुम लोगों के साथ, चिपक कर एग्जाम होने वाले हैं ना मेरे। अच्छा भाई मर्जी है। कौन हो भाई, बात सुनो, अगर तुम पोलियो के कतरे पिलाने आई हो ना तो साफ साफ बता दूं हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। हाँ अगर जहर के कतरे हैं तो हमारी सास को पिला जाओ। अल्लाह मैं तो पड़ोस में रहती हूँ, आपको कुरान खानी की दावत देने आई थी, नई नई शिफ्ट हुई हूँ अभी मैं। अच्छा अरे तो फिर आओ ना अंदर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम लोग तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं सब। कौन से मकान में शिफ्ट हुई हो आप? अरे वो कोने पे ना, 10 नंबर। माँ ओ अच्छा, वो वाला घर अभी कुछ अर्से पहले ही बिका है। अरे बहन क्या बताऊं, बड़ा फंडा था, बड़ा फसाद था उस घर के ऊपर, वो बंटवारे का चक्कर था भाई। मैं तो कहती हूँ बाप दादा मर खप गए, क्या जरूरत उनकी जायदादों को दिल से लगा के रखना। ठीक तो है भाई, घर बेचो, सबको उनका हिस्सा दो, ताकि सब हंसी खुशी अपने घर में रहे, है ना भाई? और क्या, तू क्या बैठी बातें सुन रही है, जा जाके चाची को बोल नई पड़ोसन आई उनके लिए चाय बनाए अच्छी सी। अरे बहन क्या जरूरत पड़ी थी तकल्लुफात में पड़ने की, मेरे को और जगह दावतें देने जाना है ना,
बस अब जाती हूँ, निकलती। अरे बैठो ना अभी थोड़ी देर, अल्लाह अल्लाह करके तो कोई नया पड़ोसी आया है इस मोहल्ले में, वरना सारे ही फटे पुराने हैं, सब हमारी सास के पुराने जानने वाले। मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं है। अब तुम आई हो ना, अब तुम मेरी दोस्त बन के रहोगी। हाँ, हमारी सास को मुंह मत लगाना। अरे मैं तेरी दोस्त हूँ। अच्छा नाम तो बताओ अपना। मेरा नाम है गुलशन आरा। हाय हाय क्या बाहुबार नाम है भाई, वाह क्या बात है। ये बताओ कि ये घर कितने का लिया तुम लोगों ने? अरे मुझे नहीं पता, ये तो मर्दों के मामलात हैं, मैं तो घरेलू हूँ, घर में रहती हूँ। क्यों बहन बेहोश थी क्या जो तुम्हारे मियाँ ने घर लिया था? अरे नहीं तो, असल में हम लोग डिस्कस नहीं करते ना ऐसी चीजों को। पता तो तुम्हें सब है, बताना नहीं चाह रही है और बात है। अल्लाह कैसी बातें कर रही है, अब तो तू मेरी दोस्त है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये हमारी सास है, बहुत पुरानी है, मेरा मतलब है इस मोहल्ले में सबको जानती है, अगर किसी के बारे में मालूमात हासिल करनी हो ना इनसे पूछ लेना। कैसी है आंटी आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, तशरीफ रखिए ना। हाँ वो अम्मी है ना, मकान नंबर 10 में शिफ्ट हुई है, अपना खुद का खरीदा है तो कुरान खानी रखी है, उसी का बुलावा देने आई है। आपको बहुत मुबारक हो नए घर की। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अरे आंटी आंटी क्या कर रही हो है, हमारी सास को ना पूरे मोहल्ले में सब बेबी बाजी कहते हैं, तुम भी वही कहो। आई अल्लाह तो ये है बेबी बाजी। असल में हम लोगों ने जिनसे घर खरीदा था ना उन्होंने भी बड़ा जिक्र कर रखा था आपका। बड़ी पक्की सहेली थी हमारी सास की, पर जाते हुए मिलके भी नहीं गई। हाँ हाँ बस वो अपनी पैकिंग वगैरह में इतनी मसरूफ हो गई तो जल्दी में चली गई। अब बस एक एक करके सब जा रहे हैं इस मोहल्ले से। कब है आपकी कुरान खानी? कल जुम्मे को है ना, असर मगरिब के दरमियान। देखो जरूर आना आप लोगों ने, और वो मसला ये ना कि मोहल्ला इतना बड़ा है तो हर घर से मैंने दो दो जनों को ही बुलाया है बस। हाय हाय तो फिर हमारी एक बेचारी देवरानी ही रह जाएंगी है। लेकिन वैसे ना उनको शौक नहीं कहीं आने जाने का, घर में ही पड़ी रहती है वो। हाँ अच्छा जरा ये तो बताओ कि वो कुरान खानी में खाना वाना है या समोसे जलेबी पे ही टरखाओगी सबको? असरा भाई अम्मी मैं तो इसलिए पूछ रही थी ना कि अगर खाना है तो फिर घर में खाना ना बनाए जुम्मे को, है यहीं से आ जाएगा। हमारा अपना पकवान वाला है ना, स्पेशल पकवान वाला, उससे बनवाई है मैंने पूरे 10 किलो की बिरयानी की देर। अल्लाह तेरा शुक्र है, कितने अरसे के बाद मैं देख की बिरयानी खाऊंगी, वरना हमारे मोहल्ले में ना तो कोई मरता है ना किसी की शादी होती है कि चलो देख की बिरयानी मिल जाए खाने को। और बाजारों की जो बिरयानी ना अल्लाह मान तौबा तौबा तौबा, इतनी चिकनाई होती है ना उसमें कि खाने को दिल ही नहीं करता है। अच्छा सुनो एक काम कर देना बहन, क्योंकि हम सब तो तुम्हारे यहाँ सिपारा पढ़ने आए हुए होंगे तो घर में खाना तो कोई बनाएगा नहीं, तो मर्द क्या करेंगे बेचारे हैं, जरा घर के मर्दों के लिए एक ट्रे भर के दे देना, मेरे मियाँ को ना बिरयानी बहुत पसंद है देख के। हाँ अजरा क्या कह रही हूँ, देखो ना हर एक के घर का अपना हिसाब किताब होता है ना, और हमारे घर तो वैसे भी जुम्मे को बिरयानी ही बनती है। आई नहीं खाला क्या हो गया, एक प्लेट से कौन सी मेरी देग में कमी आ जाएगी, 10 किलो की देग बनवाई है मैंने, अब इन तू फिक्र नहीं कर मैं ला दूंगी तुझे। अल्लाह मम्मी कितनी अच्छी है ना गुलशन आ रहा है। चाय बनवाऊं आपके लिए? आई इतनी देर से तो बोल रखा है इन्होंने, अब तक वो लड़की आई नहीं। आ रही है अभी, अंबर को बोला हुआ मैंने।